डियर फ्रेंड्स, सो वी आर अगेन ऑन आवर स्पीड मैथ्स एंड वी आर डायरेक्टली मूविंग टू पेज नंबर 125, मिसलेनियस समेटिव एक्सरसाइज, एंड दिस इज फ्रॉम द सेम चैप्टर लेंथ, और यू मे से मेजरमेंट ऑफ लेंथ, राइट? द यूनिट इज मेजरमेंट एंड द चैप्टर इज लेंथ एक्चुअली, राइट? सो दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So you can see a pencil and some erasers. They are laid together and their starting point is same, right? So the question is, the above pencil is how many erasers long? So can we count the erasers? Yes. Let's start with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So up till 7th eraser, the pencil ends. This 8th is extra one, so we should not count it. So 7 erasers. So you can simply tick on 7, right? Same way, hand spans are taken this time to measure a ribbon. The above ribbon is how many hand spans long, and I expect it from you. So count the hand spans right from beginning to the end and take the correct option. Which of the following can be measured by length? So, if we have a ball, can we measure it by length? A chapati, roti you can say, water, book. Easy, I think. Ball is round in shape, spheric. So, how can we do it? Yes, its circumference or outer, you can say, can be taken. Circumference only. लेकिन अगर हम easier way में देखेंगे ना, तो book, right? तो book is the answer here. चपाती, इसका चपाती का भी आप जो diameter होता है, बड़े लोग समझाएंगे अभी, है ना? क्योंकि जो circular, why I am discussing this question? क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्व करते हैं राउंड्स को भी, राउंड चीज़ों को भी, कि कोई चीज़ मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर है, फॉर एग्जांपल चपाती ही है ना. अभी हम थ्री ऐसे बिल्कुल ही राउंड शेप की बात नहीं कर रहे, बॉल जैसी. तो चपाती बड़ी है या छोटी है, उसका मिड पॉइंट से एक लाइन हम पास करेंगे ना, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो वो डायमीटर होगा. आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. तो इस वे में हम कई बार सर्कुलर चीज़ों को भी मेज़र कर सकते हैं उसका लेंथ. लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल आंसर दिया है बुक, तो आप इसे ही अभी करोगे. वाटर का तो कोई सेंस नहीं बनता है ना उसकी लेंथ लेने का. एनीवे, फिल इन द ब्लैंक्स. लुक द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड देन कंप्लीट द ब्लैंक्स. सो अर्जुन इज देयर, प्रीति इज देयर एंड रोहन इज देयर, राइट? प्रीति इज टॉलर देन हूम? अर्जुन और रोहन. प्रीति इज टॉलर मीन्स मोर टॉल. तो हु इज शॉर्टर देन प्रीति? यस, रोहन. यू कैन इजीली रिकग्नाइज एंड राइट. दिस वन डैश इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल. शॉर्टेस्ट यू नो, द मोस्ट शॉर्ट वन, राइट? अगेन ही इज रोहन. डैश इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल. You can easily find out. And fourth is, Dash is shorter than Arjun. Shorter than Arjun. So, Preeti is shorter than Arjun. Yes. And Rohan is shorter than Arjun. Yes. So, technical answer is, Preeti and Rohan both are shorter than Arjun. लेकिन अगर हम इसका sense समझेंगे, तो हमें immediate shorter बताना है. ठीक, छोटा है ना, इज लगाए ना, तो इसलिए हम प्रीति और रोहन दोनों को नहीं ले सकते हैं. आर होना चाहिए था, प्रीति एंड रोहन आर शॉर्टर देन अर्जुन. सो ठीक छोटा कौन है अर्जुन से? ठीक छोटी है प्रीत. प्रीति बोल रहा हूँ मैं बार बार, ये प्रीत है. ओके, सो प्रीत इज शॉर्टर देन अर्जुन, राइट? सो नेक्स्ट पेज ले लें आप. इजी है बहुत, क्योंकि हमने चैप्टर अच्छे से समझ लिया था. हाँ, so take the correct statements and cross the wrong statements. A math book is longer than a pencil.
MacBook is longer than a pencil? If you say, if you think yes, you can tick, okay? And generally you will find it is longer than a pencil. A pencil box is shorter than an eraser. Oh, of course. True. Oh no, shorter than an eraser. हाँ तो इसको जल्दी से मीनिंग नहीं मेरी तरह निकाल लेना. पेंसिल बॉक्स इज शॉर्टर देन इरेजर. नो इट्स रॉन्ग. अ शार्पनर इज लॉन्गर देन अ न्यू पेंसिल. शार्पनर इज लॉन्गर देन अ न्यू पेंसिल. नो वे. हाँ अ स्कूल बैग इज शॉर्टर देन अ टेबल. डिसाइड योर सेल्फ. अब आ गए सॉल्व द फॉलोइंग पजल. सो ये तो मैंने आपको वैसे इनका सिस्टम बताया है ना. ये नंबरिंग आपको देखनी होती है. 1 2 3 4 अलग अलग जगह लिखे होते हैं और फिर हिंट्स हमें क्रॉस में मिलते हैं. अक्रॉस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एरो बना है. देखिए अक्रॉस के लिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है एरो. और या डाउन में मिलते हैं फ्रॉम अप टू डाउन. तो वही नंबर हमें कैच करने हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये अक्रॉस में मिल रहा है हमको, है ना. कई बार एक ही नंबर हमें दोनों जगह मिलता है. अक्रॉस में भी मिलता है और डाउन में भी मिलता है. तो उसी सेम बॉक्स से दो वर्ड स्टार्ट हो जाते हैं उसी सेम लेटर से. Anyway, in pencil and book, dash is longer. So, one number कहाँ है देखिए यहाँ पर. So, in pencil and book, book is shorter, sorry, book is longer. So, B, O, O तो already लिखा है, then K, book. इस तरह से आप इसे solve करेंगे. In, मैं इसका fourth पढ़ लेता हूँ, down वाला एक. In mat and sharpener, that is long. Mat and sharpener, mat must be long. So, where is four? 4 4 4 here, right? M A is already given, so you will write T only in this box. Mat. Rest of the questions number 2, 3, and 5, 6 you will solve yourself, right? Only this. इसके बाद हमारा measurement का ही chapter चलेगा. एक नया 16 chapter weight, वो हम next turn पे लेने वाले हैं. Thank you. Bye bye. After this, we are going to take English. Okay. Bye.